वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे फिजिकल एपरेटस हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जाता है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को शो किया गया है जिसमें दो अलग अलग पार्ट है। इसमें एक साइड जो है उसे रिडक्शन हाफ कहा जाता है और दूसरी साइड को ऑक्सीडेशन हाफ कहा जाता है। दोनों को एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है। ये कनेक्टिंग लिंक है और दोनों साइड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। दोनों साइड में आयंस की और चार्ज की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। जो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसे हम कहेंगे एनोड। जो राइट साइड का इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है उसे हम कहेंगे कैथोड। कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव चार्ज होता है। बेसिक सी बात है, आप सभी जानते हैं ऑक्सीडेशन इज नोन एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे और जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम रिडक्शन कहेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ साइड में आप देख सकते हैं रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती है और इलेक्ट्रॉन लॉस होने के कारण से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक आयन बनते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। दूसरी साइड में रिडक्शन हाफ के अंदर आप देख सकते हैं कि जो मेटल आयन है, जो लेस रिएक्टिव मेटल आयन है, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, प्रोसेस कहलाती है रिडक्शन। रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन गेन करती है लेस रिएक्टिव मेटल आयन और मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां पे मेटल आयन से मेटल में कन्वर्जन होता है रिडक्शन हाफ में और ऑक्सीडेशन हाफ में मेटल से मेटल आयन में कन्वर्जन होता है। मींस इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं वो एनोड पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और अराइव होते हैं वो कैथोड के ऊपर। मींस इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं एनोड पे और पहुंचते हैं कैथोड पे। कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। स्टूडेंट्स, आप यहां पे देख सकते हैं मैंने दो बड़े साइज के बीकर्स को लिया है। इनकी वॉल्यूम है 250 ml के ये बीकर आपके पास और बीकर के अंदर को मैंने एक ट्यूब से जोड़ा है जो कि साल्ट ब्रिज का काम कर रही है। इसकी मैं पोजीशन थोड़ी चेंज कर देता हूं, जैसे डायग्राम बनाया है उसी की तरह से हम इसको चेंज कर देते हैं इसकी पोजीशन को। ये जो साइड है जिस साइड में हमने ये स्ट्रिप ली हुई है, मेटालिक स्ट्रिप ली है, यहाँ पे आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है, बबल्स बन रहे हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस यहाँ चल रही है। ये जहाँ पे ग्रीन क्लिप लगी हुई है ये आपका एनोड है और जहाँ पे एक ये मेटालिक रोड लगी हुई है ये कैथोड है। बीच में आपने देखा कि एक साल्ट ब्रिज की तरह ये जो ट्यूब है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखती है। इस साइड में आप देख सकते हैं मैंने एक मल्टीमीटर लिया हुआ है और ये मल्टीमीटर का काम है वोल्टेज को मेंशन करना। ये वोल्टेज या फिर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, उसको ये मेजर करता है। मल्टीमीटर शो कर रहा है 1.394 वोल्ट। मैं एक बार इसको कनेक्ट करके बताता हूं आपको। मैं जैसे इसको हटाता हूं आप ईएमएफ देख सकते हैं 0.00 वोल्ट। ये मेटालिक रोड जो हमने ली हुई है ये टेम्परेली हमने कॉपर रोड ली है और इस साइड में एक स्ट्रिप ली है जो कि एल्यूमिनियम की है और वो रिएक्ट कर रही है इस सॉल्यूशन के अंदर और ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्यूमिनियम के ऊपर और कॉपर के ऊपर हो रहा है रिडक्शन। जिस हाफ में रिडक्शन की प्रोसेस चलती है उसे हम रिडक्शन हाफ कहते हैं और जिस हाफ में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चलती है उसे हम ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं। इस बीकर, ये बीकर रिडक्शन हाफ है और ये बीकर ऑक्सीडेशन हाफ है। ईएमएफ देख सकते हैं आप, ये 0.00 है। साइन कुछ माइनर फ्लक्चुएशन के कारण से नेगेटिव साइन शो कर रहा है लेकिन इसकी ईएमएफ अभी फिलहाल जीरो है क्योंकि अभी सर्किट क्लोज नहीं है। जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज करता हूं आप देखेंगे मैक्सिमम ईएमएफ ये अचीव करेगा
मैंने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया है। वायर से कनेक्ट करने के बाद यहां पे ईएमएफ देख सकते हैं आप 1.3912, ये फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि जो आयंस हैं उनकी जो उनका अराइवल इलेक्ट्रोड के ऊपर चेंज हो सकता है टेम्परेचर चेंजेस के कारण से और डिफरेंट फैक्टर के कारण से। क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन मींस 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, टेम्परेचर फिलहाल लगभग 35-36 डिग्री सेल्सियस है, तो जो एग्जैक्ट जो ईएमएफ होनी चाहिए वो हमें अचीव नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालते हैं या ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं वो 298 केल्विन के ऊपर निकालते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिफरेंट मेटल्स के या डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके 298 केल्विन पे या 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंशन किए गए हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पे अदर देन 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो भी ये काम करता है। आप देख पा रहे हैं ईएमएफ क्लियरली। अब एक नेक्स्ट नेक्स्ट सेटअप हम शो करते हैं। जैसे ही मैं काम करूं कि इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकालता हूं, देखिए ईएमएफ जीरो हो गई है, इलेक्ट्रोड को हमने बाहर निकाल दिया है, जो कैथोड है उसको हमने बाहर निकाल दिया है और सर्किट जो हो गया है वो बिल्कुल ओपन हो गया है। जैसे ही मैं इसको डिप करता हूँ सॉल्यूशन के अंदर, डिप करते ही ईएमएफ फिर से बढ़ती जाती है और अगेन उसी लेवल पे अचीव होने की कोशिश करती है। इस बार 1.385 डिफरेंस है, क्योंकि कई फिनोमिनन है इसके अंदर, आयंस प्रॉपरली नहीं पहुंच पाते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर, पूरी तरह से सेचुरेट नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रोड को, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई कुछ फिनोमिनन है, एक फिजिकल फिनोमिनन है पोलराइजेशन का, वो भी करंट के फ्लो को फ्लक्चुएट करता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने तीन डिफरेंट सेल्स को कनेक्ट कर लिया है। ये जो सेल हमने यहां पे आपको शो किए थे जिसके अंदर इलेक्ट्रोड थे जो मैंने निकाल लिए हैं अब नेक्स्ट सेटअप प्रिपेयर करने के लिए, ये दो हाफ सेल थे, एक रिडक्शन हाफ था और एक ऑक्सीडेशन हाफ था। लेकिन इस सेटअप के अंदर हमने एक सिंगल कंटेनर के अंदर ही इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को शुरू कर दिया है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बना दिया है। ये प्रोसेस जो हो रही है इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की, एक सेल में, फिर दूसरा सेल आप यहां देख रहे हैं, तीसरा सेल यहां देख रहे हैं, और तीनों को हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया है। और आप इनके अंदर जो होने वाली ईएमएफ है, प्रोड्यूस होने वाली जो ईएमएफ है, आप देख सकते हैं इनको, इसको पोलैरिटी में थोड़ा सा चेंज है, उसको मैं सेट कर देता हूं। तीनों को जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं 3.84 वोल्ट ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब हम सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसकी जो ईएमएफ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जुड़ जाती है, एडिटिव नेचर है ईएमएफ का अगर उस सीरीज में उसको कनेक्ट किया जाए तो। इस सेल का एक जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड है, फिर ये कैथोड है, कैथोड को फिर से हमने कनेक्ट किया है एनोड पे, और फिर इसका जो कैथोड है उसको फिर से दूसरे सेल के एनोड से कनेक्ट किया है, और जो लास्ट कैथोड है उसको हमने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल की जो वायर होती है मल्टीमीटर की उससे कनेक्ट किया है। ईएमएफ आप देख सकते हैं 3.84 वोल्ट है। अच्छा, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन और करते हैं हम, कि मीटर में तो आपको देखने में स्टूडेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, हम एक लाइट एमिटिंग डायोड यूज करते हैं, और ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है इसको आप अच्छे से जानते हैं, ये लाइट एमिट करता है जब इसमें से करंट का फ्लो होता है। तो कैथोड वाले टर्मिनल को मैंने जोड़ दिया है, और जैसे ही हम एनोड वाले टर्मिनल को जोड़ते हैं तो आप देखेंगे लाइट ग्लो कर रही है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पे कि तीनों जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हमारे पास, इनके अंदर तीन हमने अलग अलग कैथोड लिए हैं और तीन अलग अलग हमने
एनोड लिए हैं। एनोड एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप का बनाया हुआ है हमने, यहाँ पे एल्यूमिनियम स्ट्रिप मैंने ली हुई है, इस साइड में भी एल्यूमिनियम स्ट्रिप ली हुई है, और तीनों जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं उसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके बारे में आप गैस कीजिए और बताइए कि हमने क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया है इसके अंदर, और इसकी अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो किस इलेक्ट्रोलाइट के कारण हो रही है। अब तक आपने जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े होंगे उसके अंदर कभी भी ऐसा कपल नहीं देखा होगा या ऐसा पेयर नहीं देखा होगा जिसके अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम को लिया गया हो। वैसे तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप कोई भी किसी भी मेटल का पेयर बना सकते हैं और किसी भी जो उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसी का भी पेयर बना के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कॉपर और एल्यूमिनियम को लिया है क्योंकि अवेलेबिलिटी हमारे पास घर पे इन्हीं चीज़ों की थी। फ्रेंड्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने जैसे सीरीज में ज्वाइन किया है, तीनों की जो ईएमएफ है, इंडिविजुअल ईएमएफ है, वो ऐड हो गई है, और एडिशन के कारण से जो वोल्टेज है वो बढ़ चुकी है, और आप ग्लोइंग एलईडी को देख सकते हैं। ये ग्लो इसके कैथोड के ऊपर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स और एनोड से जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के कारण से है। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड इसके मेन टर्मिनल के ऊपर जब आ रहा है तो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका मल्टीमीटर है वो वोल्टेज शो कर रहा है 1.98 वोल्ट, और जैसे ही मैं इससे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ एलईडी से तो आप देखेंगे जो वोल्टेज है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज होती जा रही है, और अब इसको हम वोल्टेज ना कह के इसको ईएमएफ कहेंगे क्योंकि जब सर्किट क्लोज नहीं होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल्स के डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के बीच में उसे हम ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। वंस अगेन हम इसको कनेक्ट करते हैं, ईएमएफ जो आप देख पा रहे हैं वो धीरे धीरे राइज हो रही है जो कि 3.01, 2 और 3 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। जैसे ही मैं इसको एलईडी से कनेक्ट करता हूँ आप देखेंगे ये एब्रप्टली डिक्रीज हो जाएगी और ये 1.9897 के आसपास आके रुक गई है। अब जो ये आप रीडिंग ले रहे हैं देख पा रहे हैं ये ईएमएफ ना होके वोल्टेज है दोनों लास्ट टर्मिनल्स के बीच में जो कि सेल्स के लास्ट टर्मिनल हैं, एक कैथोड टर्मिनल है और एक एनोड टर्मिनल है, और एलईडी के ग्लो का ग्लो से आप आइडिया लगा सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली हो रहा है। आशा करता हूं आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोगों ने सीखा होगा इससे कि डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं डिफरेंट हम कपल्स लेके डिफरेंट मेटालिक कपल या फिर डिफरेंट नॉन मेटालिक यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं। लैब्स में ये पॉसिबल है, यहाँ पे जो लोकल सेटअप हैं उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि सॉल्यूशन के अंदर हमने एसिड लिया है या बेस लिया है। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे उनके अंदर जो रिएक्शन हुई है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हुई, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हुई, उन रिएक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है जिसके बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन किया है उसको मैं बताऊंगा, और डिफरेंट जो आपके रिडक्शन हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ है, उनको इंडिविजुअली उनकी जो रिएक्शन है उनको एक्सप्लेन करूंगा, और उनके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है रिडक्शन हाफ में और ऑक्सीडेशन हाफ में, इंडिविजुअल हाफ सेल के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होती है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे।